बीजेपी के नेता विनोद तावड़े ने पुलिस आयुक्त सत्यपाल सिंह से मुलाकात कर अपने सुरक्षा में लगाए गए 8 पुलिस कर्मियों से 6 को वापस लेने का निवेदन दिया है। उन्होंने पुलिस आयुक्त को वजह यह बताई है कि मुंबई की जनसंख्या के मुताबिक पुलिस की बल संख्या बहुत कम है, उस पर अगर नेताओं की सुरक्षा में 8-8, 10-10 पुलिस कर्मी लगे तो उन्हें यह रास नहीं आ रहा। इसलिए समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी देखते हुए उन्होंने अपनी सुरक्षा में लगे 6 पुलिस कर्मी को वापस लौटाने का फैसला किया है। अत्याचार बढ़ रहे हैं। मैंने ये कहा कि जब गर्भाशय की महिला भ्रूण हो या 4-5 दिन का बालक अस्पताल से चोरी हो रहा है, स्कूल की बच्चों पे बलात्कार हो रहा है, कॉलेज की जो हमारी छात्रा है पायल बलसारा उस पर जानलेवा हमला हुआ, या फिर एडवोकेट पल्लवी पुरकास्त एडवोकेट अपने पे बलात्कार बचाने के लिए अपनी जान गंवा बैठी, इन सब बातों को जब हमने सवाल पूछा तो पुलिस कर्मी हमारे पास कम है, हम कहाँ से दे पाएंगे। तो मैंने ये सोचा, मैं विपक्ष नेता के नाते मेरे पास कैबिनेट रैंक के कारण 10 पुलिस कर्मी मेरे सुरक्षा में है, तो इतनी मुझे आवश्यकता नहीं है, और इसलिए मैंने ये 10 में से 8 सुरक्षा कर्मी आज सरेंडर किए सरकार को कि इनको आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगाइए। और जो कदम आज मैंने उठाया, मैं मानता हूँ कि मुख्यमंत्री हो गृह मंत्री हो, इनको उस प्रकार की सुरक्षा बहुत आवश्यक भी है। वो छोड़कर जिन राजनीतिक नेता मंत्रियों को ये सुरक्षा जरूरी है वो इसी प्रकार अपनी सुरक्षा लौटा दे, ये समाज के लिए बहुत हितकारक होगा। इस विषय पर जब मीडिया कर्मियों ने पुलिस आयुक्त से बात की तब उन्होंने ये साफ किया है कि विरोधी पक्ष के नेता अगर ये कहते हैं कि उन्हें कोई खतरा नहीं है तो उनके बात से भी हमें सहमत होना पड़ेगा। आप भी गौर फरमाइए पुलिस आयुक्त का क्या कहना था। विधान परिषद से विरोधी पक्ष नेता श्री विनोद तावड़े जी आज मुझे यहाँ मिलने आए हैं, एक पत्र लेकर के आए हैं कि आज समाज में जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं या महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जो आज संवेदना व्यक्त की जाती है, बार बार एक कारण बताया जाता है कि मुंबई शहर के अंदर जनसंख्या की तुलना में पुलिस का जो संख्या बल है वो कमी पड़ता है, इसलिए उन्होंने एक उदाहरण पेश करने की बात की है कि उनके पास जो 10 लोगों की जो सुरक्षा व्यवस्था उनको दी गई है, उनका कहना है कि उनको 10 लोगों की ज़रूरत नहीं है और 10 में से वो केवल मात्र 2 लोग अपने साथ रखना चाहते हैं और 8 लोगों को वापस करना चाहते हैं। इस बात पर हम निश्चित रूप से विचार करेंगे और अगर उनको कोई धोखा नहीं, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं, हम 8 अपने आदमियों को वहाँ से वो निकाल लेंगे, उसको पुलिस के दूसरा जो काम है दैनंदिन काम है उसमें उनका यूज करेंगे। कब तक ये प्रोसीजर जो है पूर्ण किया जा सकता है? अभी खुद जो है श्री विनोद तावड़े जी ने बोला है कि उन्हें किसी प्रकार का खतरा नहीं, एक इतने वरिष्ठ स्तर के नेता अगर खुद बोलते हैं तो उनकी बात पर जो है अविश्वास न करना ही ठीक होगा। फिलहाल देखना यह होगा कि और कितने नेता अपनी सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मी कम करने की मांग पुलिस आयुक्त से करते हैं। करनाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट।